अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिया बी है और ये है मेरे हस्बैंड ताहिर सईद। आपको पता होगा एक दो दिन से कुछ अजीब अजीब न्यूज सर्कुलेट कर रही है अबाउट मी एंड माय हस्बैंड, एंड उसके बाद मेरी एक वीडियो बहुत ही इमोशनल वायरल हुई। मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी और सब देखेंगे, लेकिन इसके बाद ये वीडियो बनानी जरूरी हो गई क्योंकि उसमें कुछ मिसकंसेप्शंस थी। सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, थैंक यू वेरी मच। आई डेंट थिंक कि कोई मेरे दर्द को देखेगा, और इस वक्त गवर्नमेंट की आई वॉन्ट टू थैंक द गवर्नमेंट इज वेल, एवरीबडी हू वॉन्ट्स दिस होल कोरोना का जो इस वक्त हमारे पे नाइटमेयर आया हुआ है उसमें जो हेल्प करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने इतना रीच आउट मुझे किया है। फिर सेकेंडली द आर्मी, बिकॉज देयर इन चार्ज राइट नाउ, अगर आर्मी भी इस वक्त स्टेप इन ना करती तो इस वक्त मुझे जो हमारा पुलिस के साथ इंकाउंटर है उसमें हमें मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जैसे हम पूरे पाकिस्तानियों का फेथ उठ गया हुआ पुलिस से, तो मेरा भी ये हाल था। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम फर्स्ट, एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करें कि हमारा ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे। उसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं जी कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर बार 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 लोगों को ये एहतियात करने के लिए कह रहे हैं और लॉकडाउन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि जी पैनिक मत करें। ये कल वाला इंसिडेंट, द पुलिस इंसिडेंट दैट हैपन्ड, ये प्योर पैनिक है, ये अब्यूज़ है और ये हरासमेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों ने कल किस तरीके से मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं। ये लोग गन के बट मार के इन्होंने मेरे डोर तोड़ने की कोशिश की है, और जब मैंने दरवाज़ा खोला है एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि कम से कम 3 गाड़ियां 2 पुलिस स्टेशन से, कोई 20 से 25 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ये मुझे लेने आए थे। मैंने दरवाजा खोला है और सबसे पहले मैं शॉक में चला गया कि इतने पुलिस वाले। मैं बाहर गया हूं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने पूछा है कि आप कौन है, मैंने कहा जी मैं यहां पे रहता हूं, ये मेरा घर है। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ जाए। मैं बाहर गया हूं, हम सड़क पर खड़े हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने मेरा आईडी कार्ड नंबर पूछा जो कि मैंने बताया, और जिसके बाद एसएचओ जो निस्तर टाउन के एसएचओ थे उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने कहा कि जी यही बंदा है, इसको ले चलें। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक, मैंने कहीं पर रिजिस्ट नहीं किया, मैं उनको बार बार ये पूछता रहा हूँ कि जी आप किस सिलसिले में आए हैं, क्यों लेने आए हैं और कहां ले जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, 12:30 रात, 12:30 हम सारे सो रहे थे, मैं, मेरे 2 बच्चे, 4 साल का, 15 साल की बेटी, और अकेले मेरे हस्बैंड थे, 2 फीमेल मेरी सर्वेंट थी जो नीचे सो रही थी। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, एक 20-22 लोग आज के कोरोना पेंडेमिक के अंदर एक घर के अंदर आ गए हैं, रैंडम पीपल इन क्लोज विसिनिटी, ये दूर दूर नहीं खड़े थे, ये करीब करीब थे, कुछ ने मास्क पहने हुए थे, कुछ ने मास्क नहीं पहने हुए थे। और मैंने उनको कहा भी है कि यार आप लोग कोरोना के सिलसिले में अगर मुझसे बात करने आए हैं और इस तरीके से आए हैं तो आप तो खुद हैजर्ड क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने की, मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि आप किस सिलसिले में मुझे लेने आए हैं या आप किस सिलसिले में मेरे से बात करने आए हैं, और उन्होंने एक दफा भी, किसी एक बंदे ने भी मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछा है क्यों, दे डिडंट टेल मी। मुझे इन्होंने कहा कि जी इसको गाड़ी में बिठाओ। मैंने इनसे पूछा है कि जी ये मेरा हक है कि आप मुझे बताएं आप किधर मुझे लेके जा रहे हैं, मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो परेशान हो जाएंगे, मुझे उनको बताना जरूरी है। एंड दे डिड नॉट लिसन। मैं केम आउट क्राइंग, मैं इमोशनल होके, बिकॉज ये इन्होंने पूरे घर कांप रहा था, इतना इन्होंने शोर मचाया था, वो हमारा डोर ये ब्रेक डाउन कर रहे थे, अगर वो आराम से बेल भी बजाते हैं दरवाजा खोल देते। एंड मैं रोती हुई, मैं चादर लेके आई हूँ, मैंने कहा ताहिर कहाँ लेके जा रहे हो, ताहिर साहब मुझे बीवी को तो बताने दे। कहते हैं खबरदार चले यहां से, चले। इन्होंने इस तरह किया, मैंने कहा भाई मुझे तो बता दे हमने किया क्या, क्यों लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को। दे सर आप चुप करें और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप क्या, इन्होंने मुझे कहा आप क्रिमिनल है, आप। मैंने कहा कौन सा क्राइम किया है मुझे बताएं, आपको पता चलेगा। और यही मेरा पॉइंट था, दे ट्रीटेड अस लाइक क्रिमिनल्स। आई, वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री।
देखें जी, हम दोनों ये नहीं कह रहे कि जी इस तरह हमारे साथ सलूक क्यों हुआ है। हमें अपनी पुलिस का पता है, हमारी पुलिस है ही ऐसी, वो सबके साथ इसी तरह करते हैं। और मुझे यकीन है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल हुआ होगा, होगा जिसके साथ कोई ना कोई पुलिस इंसिडेंट हो चुका है। और हम प्रिविलेज नहीं है, हम हमारे साथ हो गया, मैं उस बात का हम कंप्लेन नहीं कर रहे। बट द प्रॉब्लम इज कि आजकल के हालात के अंदर, स्पेशली व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, इस तरह के एक्शंस आर कॉजिंग पैनिक। 20 लोगों की टोली जब किसी इलाके में किसी बंदे को लेने के लिए आएगी, पैनिक फैलेगा। यस, लोग डरेंगे अपने टेस्ट करवाने से, कोई टेस्ट नहीं करवाएगा क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने टेस्ट करवा लिए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। सो इस वजह से ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। पैनिक क्यों क्रिएट? अगर सपोज मुझे कोरोना हुआ है, जो मुझे नहीं हुआ, हम दोनों के इनके टेस्ट नेगेटिव आए, मेरे भाई के नेगेटिव, हमारे खानदान के नेगेटिव आए, अगर सपोज हो गया तो उसमें हम मुजरिम है। मैं आप सबको बता रही हूँ, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर बार बार करें, काम हम सबको रहना है। अगर वो भी गया तो क्या हो गया, अरेस्ट करने क्यों आ रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा उस इंसिडेंट की तरफ आ जाता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं ये भी शेयर करना चाह रही हूँ कि ताहिर के ये चुगताई लैब का रिपोर्ट है जो बार बार सर्कुलेट हो रहा है जी की पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हम दो लोगों का, मेरे भाई का और ताहिर का, एक दिन हुआ था, दोनों के नेगेटिव है। ये आज की रिपोर्ट है, आज रिजल्ट आया है, और ये हम सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कॉपी भी डाल देंगे सो दैट एवरीबॉडी नोज दैट माय कोरोना रिजल्ट इज नेगेटिव। अच्छा जी, अब मैं बताऊं कि ये केस इन्होंने हमारे पे क्या बनाया है। आपको हंसी भी आएगी और मुझे तो खैर रोना आ रहा था, बट आपको हंसी भी आएगी। बट दिस इज टिपिकल पुलिस, ये इस तरह की केसेस बनाने में माहिर हैं। इन्होंने जी माइकुक वेंट फॉर छुट्टी, ही लिव्स इन बिहारी, कोई वबा नहीं थी तब इन पंजाब। ही केम बैक ऑन द 12th ऑफ मार्च। तब तक बहुत आगे भी थी सिक्योरिटी और हमारी क्वारंटीन वगैरह चल रही थी। एंड 18th को ही सर जी मुझे थोड़े से सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार उसको एक दिन रहा है और थोड़ी सी खांसी रही है, उसने बताया आके। मैंने कहा कि हम क्वारंटीन में हैं, हमारे बच्चे हैं, तो चलो इसका अपना अपने एज अ सिटीजन हु, मतलब हमारे जो सारे स्टाफ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मैंने अपने ओन पे चुगताई को बुलाया, उनसे कहें जी ये टेस्ट हो गया उनका जी। दो दिन बाद उनको कॉल की, उनका जी पॉजिटिव है, जिसकी जिसपे जो मेरा हाल हुआ एज अ मदर, यू कैन अंडरस्टैंड, हर घर की स्टोरी है कि जब उसका पॉजिटिव आया तो मैंने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना, बिकॉज उन्होंने कहा जी बस पॉजिटिव आ गया, फुल स्टॉप। उन्होंने हमें कुछ गाइड नहीं किया कि हमने आगे क्या करना है। तो ऑब्वियसली जब कोई गाइडेंस मिलेगी, हम ये कि ना हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। उसको मैंने कहा जी फौरन, मेरी सर्वेंट क्वार्टर्स में एक फैमिली रहती है उसके साथ, उसको मैंने कहा क्वारंटीन कर लो। कुछ घंटे वो क्वारंटीन में, उसके बाद कहता है जी कि खुद मेरे पास आया फोन करके कि बाजी मुझे आपने यहाँ पर रखा हुआ है, साथ मेरी एक फैमिली है, उनको अगर कुछ लग गया, मेरी कोई सिम्टम्स नहीं है, अब एक दिन के लिए मुझे बुखार हुआ था, अगर क्वारंटीन ही करना है मुझे घर भेज दें, मेरे बहन भाई साथ रहते हैं, मेरा ख्याल कर लेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव नहीं था कि जी क्या करना है, चुगताई वालों ने हमें नहीं बताया था, तो आप क्या करेंगे? हमारे स्लेव्स हैं, हम उनको लॉक करके रखें, नहीं आपने नहीं जाना। उन्होंने एक मुझसे मुतालबा किया और इट मेड सेंस टू मी एज अ मदर, मेरे भी बच्चे थे। जब इसने कहा मुझे कोरोना हो गया और ये कोरोना इस कोरोना, तो मैंने कहा हाँ इट मेक सेंस, तुम बिल्कुल जाओ, तुम्हारे बहन भाई होंगे वो तुम्हारा बेहतर केयर करेंगे और ये बेचारे बच्चे भी बच जाएंगे, शायद उनको ना फैले इतनी देर। लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी ये डाल दूं, हमने उसको भगाया नहीं, मैंने उसको पहले तो रिजिस्ट किया कि हमने उसको नहीं जाने देना, यहीं पे रहे। लेकिन चूंकि घर की सिचुएशन ऐसी थी कि हमने ये फैसला किया आपस में बैठ के कि इट विल बी बेटर कि हम इसको भेज दें। इसको कुछ गाइडलाइंस के साथ भेजा था, सबसे पहले ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाएगा, उसके लिए हमने इसको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। और इसने कहा कि जी मैं अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी के ऊपर अपने गांव जाऊंगा। ऑल्दो वो अपने भाई के साथ जा रहा था, उसके बावजूद हमने उसको पैसे दिए। दूसरा, मैंने उसको क्लियरली ये पूछा कि जी तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा है? एंड ही सेड कि जी मेरे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है। मैंने इसको कहा था कि जी आपने उस कमरे में रहना है, आपने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, आप कोरोना पॉजिटिव हो,
आपकी वजह से लोगों को कोरोना पास ऑन हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो हमें बताया हुआ था कि जी आपने सेल्फ आइसोलेशन करनी है, वो ही सारा हम जो घर पे कर रहे थे उसने देखा हुआ था. हमने कहा वही तुमने अपने घर जाके करना है. एक कम अज कम आधे घंटे उसको ताकीद करके, उसको गाइड करके, उसको समझा के, उससे कमिटमेंट लेके फिर उसको भेजा इस दौरान तक. और ये वो केस है जिसपे वो कह रहे हैं कि हमने उसको भगाया है, कि जैसे हमने उनको उसको कोरोना दिया है और उसको भगाया है ताकि वो, मेरा पर्पस क्या हो सकता है, खुद टेस्ट कराने का और एक मेरे मुलाजिम का और उसके बाद उसको भगाने का. और सो ये सुबह रिपोर्ट आई है, शाम को ही सर मैं घर जा रहा हूँ. हमने उसको पूरे पैसे शैसे सैलरी दे के भी, सर इस तरह जाना है, पैसे दे के आप अपनी गाड़ी लें और जाए. रात को पहली हमें कॉल आई है कि जी उमर फारूक. मैंने कहा जी जी हमारे कुप्ता उनका टेस्ट कराया है जी. उसका वो कहाँ है? मैंने कहा जी अपने गाँव गया है. अच्छा तो उसका नंबर दे दें. मैंने नंबर दे दिया. हम दोनों आपसे बात कराई थी बिकॉज वो ऑफिशियल से. मैंने कहा ताहिर आप बात कर लें. इन्होंने नंबर दे दिया, उन्होंने कॉल की. उसके बाद से हमारी ऑर्डील स्टार्ट हुई है. 5 डिपार्टमेंट से हमें कॉल आ रही थी. किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है. एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज नहीं हो रही थी. हम 50 दफा उनको फुली कॉपरेट कर रहे थे. क्यों था ऐसे ही है? देखें जी, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वालों की तरफ से न्यूमरस कॉल्स आई हैं. मुख्तलिफ लोग बार बार कॉल्स कर रहे थे और उमर फारूक के बारे में पूछते थे और उसका नंबर मांगते थे. हम उनको हर दफा बता देते थे कि वो अपने गांव चला गया और उसका नंबर हम आगे जो भी ऑफिशियल होता था उसको दे देते थे. उसके अगले दिन कॉल्स आनी शुरू हुई विहाड़ी से, DHQ विहाड़ी या जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर था उनकी तरफ से कॉलें आनी शुरू हुई और वो देवर ट्राइंग टू लोकेट उमर फारूक. उनको भी हमने उमर फारूक का नंबर दिया और उन्होंने अल्टीमेटली लोकेट कर लिया. यहाँ ये कहना चाहिए कि एक दूसरे से नहीं लोग इन्फॉर्मेशन देते. हमने 10-15 अलहदा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है जो दरमियान में शेयर भी नहीं हुई है. किसी से नहीं हमने कुछ कहा और ना किसी ने कहा कि जी क्यों गया घर, क्यों नथिंग. देर अच्छा घर है, अच्छा आप बता दें, नंबर देते हैं, हम उससे बात कर लेते हैं. उसके बाद DHQ हॉस्पिटल से एक डॉक्टर साहब का, मुझे अब नाम जेन से निकल गया उनका नाम, उनका मुझे फोन आया. उन्होंने मुझे कहा जी उमर फारूक मेरे सामने बैठा है, हमने इसको टेस्ट किया, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, ना इसको बुखार है, ना इसको खांसी है, ना इसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है. यस, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, बट बिकॉज ही इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव इस वजह से हम इसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखने लगे. Which is great. और हमने कहा कि जी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग. डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि जी आपके पास उमर की रिपोर्ट है. मैंने कहा जी बिल्कुल रिपोर्ट है. वो मैंने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट भिजवा दी, नंबर मेरे पास मौजूद है व्हाट्सएप में, मैंने वो भी दे देंगे, वो भी मिल जाएगा. वो भी दे देंगे. अच्छा, अब जब ये हो गया सारा, उस दौरान हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से और भी कॉलें आती रही. और इस दौरान ये मैं कहना चाहूंगी एज अ वुमन, एज अ वर्किंग मदर एंड एज वन ऑफ द बिजनेस वुमेन ऑफ पाकिस्तान, कि 2 दफा मुझे रैंडम इन्हीं डिपार्टमेंट से लोगों की कॉल आई है. एंड यू नो व्हाट दे सेड टू मी, आप Maria.B हैं? मैंने कहा जी आपको क्या, मैं Maria.B हूं या सी हूं? मैं पाकिस्तानी हूं और हमारे साथ जो इस वक्त हो रहा है, ये जो पूरे कोरोना में उसने हमारे और हमारे बच्चे एक बहुत टफ टाइम से गुजरे, आप मुझसे इस वक्त क्यों पूछ रहे हैं कि आप Maria.B हैं? मुझे तब ये घंटी बजी थी कि ये क्यों, वाई आर दे इंटरेस्टेड इन हु आई एम? डज इट मैटर? अगर कोरोना किसी को हो तो अगर मुझे हो तो कोई बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज करेंगे. क्यों ये कोई, मैं मुलजम तो नहीं बन जाती कोरोना होकर? अगर हो भी जाए और आगे हो भी जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुलजम हूं. और अगर क्योंकि मैं Maria.B हूं तो ज्यादा जरूरी हूं, और अगर कोई आम इंसान हूं तो कम जरूरी हूं. उसमें उसके बाद जी बाकी इंस्टीट्यूशन से फोन आते रहे, हम उनके साथ कोऑपरेट करते रहे, जिस जिसने जो नंबर मांगा हमने उनको दिया. इस दौरान संडे को, विच वॉज द 22nd of March, मैंने जाके अपना टेस्ट एहतियातन करवा लिया. मेरा भाई भी गया था, दोनों गए थे. यस, हम दोनों गए, हमने टेस्ट करवाया जिसका रिजल्ट आज आया नेगेटिव, और हम दोनों का रिजल्ट नेगेटिव है. और ये पूरा जो केस बना रहे थे कि हमने उमर फारूक को इस घर से वबा फैला के तो विहाड़ी भेजा है, क्योंकि विहाड़ी में कोई केसेस ही नहीं है. दिस इज व्हाट्स रॉन्ग, वी दिस इज स्प्रेडिंग,
यार ये वायरस ये हर जगह फैल रहा है और गवर्नमेंट को पता भी नहीं है, ये बहाड़ी में है और ये इसके थ्रू हमारे घर आया और हम परेशान हो गए और उसके लिए इन्होंने हमारे पे केस बनाया। मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इट एक्चुअली हैपेंड द अदर वे अराउंड। यस, हमें नहीं पता था, ये कोई किसी ने हमसे नहीं पूछा कि जी उमर को कहां से लगा वायरस। हम तो आइसोलेशन में थे, हम तो क्वारंटीन में थे, उमर को वायरस कहां से लगा? वायरस उसको लगा जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठ के विहाड़ी से लाहौर आ रहा था। That's it. और वो हम तो, हमारा घर तो पूरा लॉकडाउन में था। ही ब्रॉट दैट वायरस इनटू आवर हाउस और एक हफ्ता वो इसके साथ फिरता रहा, हमें नहीं पता लगा। उसको तो जब बुखार हुआ थोड़ा सा तब मैं खटका, मैंने उसको टेस्ट कराने के लिए भेजा, हमने अपने खर्चे पे टेस्ट कराया। हम ये टेस्ट ना कराते तो किसको पता लग जाएगा? और अगेन मैं कह रही हूँ इनका केस देखें कि मुलजिम ये करके तो भगा रहे हैं हमारी। आप फीस बता दें, आप हम दोनों को देख रहे हैं, आप सब हमें भगाने में क्या फायदा होगा? हम सारे क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, हमारे टेस्ट नेगेटिव है, हम क्यों करेंगे इस तरह की बातें? एक इंसान, एक हम लोग, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम इतना करें, इतना कुछ क्वारंटीन करें, बिजनेस में डिफरेंट चीजें करें कि हमारे लोग प्रोटेक्ट रहे इससे, और हम ये करेंगे आगे से? देखिए मैं इसके अंदर दो तीन चीजें बताऊं। हमने गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। हमने उस वक्त जो सिचुएशन के मुताबिक जो समझा हमने वो किया, वी वर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल। हमने तमाम प्रिकॉशंस लेके, नोइंग कि गवर्नमेंट को पता है, और उसके बाद हमने ये सारा काम किया। और इवन जब वो चला गया तो गवर्नमेंट के इदारे उसके साथ रابطे में थे। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि दरमियान में वो आए कि जी सेंस आपका ये एक सर्वेंट पॉजिटिव था तो आप सबका, मेरा, मेरी जो सारी दो मेड्स हैं यहाँ पर, उनका टेस्ट, उनके बच्चों का, अन्ना को कोई बात नहीं, आप बड़ों के करा लें, अगर सबको होगा तो सबको होगा। हमने कहा जी बिल्कुल आए, गवर्नमेंट के लोग आए, उनके पास थैला था एंड आई कांट टेल यू कितने उसमें थे। मुझे तो डर ही लग रहा था कि पता नहीं मेरा कहाँ घूम जाएगा, और उन्होंने मेरा टेस्ट किया, मेरी दो मेड्स का टेस्ट किया। देखिए जी टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। ये जब से डेंगू आया और उसके बाद ये सारे जितने भी सानेहे या कोई खुदा न खासा हादसात या इस तरह की कोई बीमारियां अगर आती हैं तो एक अजीब सा माहौल बन गया हुआ है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं, अगर उनको कोई इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो मीडिया पीछे लग जाता है। एंड लेट मी टेल यू दिस, द पुलिस इज इन्वॉल्व। व्हाइल आई वॉज सिटिंग एट द पुलिस स्टेशन, द SHO, उसको कॉलें आ रही थी मीडिया हाउसेस की तरफ से, और SHO मुझे कह रहा था कि जी अब आप जरा खड़े हो जाएं, मुझे आपकी तस्वीर उतारनी है, मुझे आपका ऐसे करना है, मुझे आपका वैसे करना है, आप प्लीज अपनी तस्वीर उतारें। इन्होंने अभी जो तस्वीर रिलीज की है इसके अलावा और भी तस्वीर प्रॉपर फोटोशूट हुई है, फोटोशूट हुई है, एंड आई वॉज हेल्पिंग द SHO कि अभी आप कैसी तस्वीर ले रहे हैं। सो आपको कहने का मकसद ये है के मीडिया वाले पीछे लगे हुए थे। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ जोक। पुलिस फीड कर रही है इंफॉर्मेशन मीडिया को और मीडिया हाइप कर रहा है 92 न्यूज और बाकी जितने भी चैनल। 2:34 पे मैं उस वक्त थाने में बैठा हूं जबकि रिपोर्ट लीक हो गई थी कि जी इन्होंने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया एक ऐसे बंदे को जो कि जिसने भगा दिया एक बंदा। नाउ समिंग इट अप, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर ये जो हमारे साथ सब कुछ हुआ है और अगर इससे कुछ परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी को कोई फर्क पड़ जाए और ये जो पुलिस का एक्शन हुआ है किसी और के साथ ना हो तो मुझे ये जो भी मेरे दो दिन मेरे साथ हुआ है मुझे सब भूल जाएगा। आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज बार बार हमारी ये, मैं आपको कहूंगी कोरोना की वबा आ रही है तो इसमें पैनिक नहीं करना, जो हमारे PM बार बार कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की इदारे सारे खड़े हुए हैं, हमारी आर्मी खड़ी हुई है, सा आर्मी ऐसे ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। इस वक्त अगर आप पैनिक फैलाएंगे और पुलिस को इस तरह की एक्टिविटीज में करेंगे पैनिक मजीद बढ़ेगा। मेरी जैसी माएं ऑलरेडी बहुत पैनिक्ड है, लेकिन पैनिक करके अल्लाह पे भी बड़ा भरोसा है। हम सबको अगर कल हो भी जाता है कोरोना तो कोई पैनिक करने की बात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे हमारे साथ खड़े हैं, हमारी आर्मी हमारे साथ खड़ी है। सो इंशाल्लाह स्टे पॉजिटिव, एंड अगर इसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा पड़ेगा, मेरे तो वसायल थे, अगर किसी गरीब को या किसी कम वसायल के लोगों को थोड़ा सा कुछ इससे हेल्प मिल जाती है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया हमारे साथ हुआ क्या है. एंड आई वी ऑल आर प्रेइंग, हमारी सब दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बहुत मुश्किल टाइम से निकलेगा, हम साथ मिलके काम करेंगे, निकलेगा. ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद.